हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th के अकाउंटेंसी का चैप्टर 10, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी के प्रैक्टिकल पोर्शन का सॉल्यूशन नंबर 5। डायरेक्ट पोर्शन शुरू करने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे, क्योंकि कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, तभी आप इसके प्रैक्टिकल पोर्शन को कर पाएंगे। तो सबसे पहले ये बात याद रखिएगा कि जब भी बिजनेस में परचेज हुई होगी या बिजनेस में कुछ एक्सपेंस होगा तो बिजनेस जीएसटी पे करता है। तो इसके लिए आप इनपुट सी जी एस टी, इनपुट एस जी एस टी या इनपुट आई जी एस टी को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। अब दूसरा कंसेप्ट ये समझिए कि जब भी बिजनेस में सेल्स, इनकम और रिवेन्यू होगी तो बिजनेस जीएसटी कलेक्ट करता है। तो आप आउटपुट सी जी एस टी, आउटपुट एस जी एस टी और आउटपुट आई जी एस टी को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जब बिजनेस जीएसटी पे करता है तो ये माना जाता है कि ये इनपुट सी जी एस टी, इनपुट एस जी एस टी और इनपुट आई जी एस टी बिजनेस के लिए एसेट है, इसलिए हम इसको डेबिट करते हैं। और जब बिजनेस जीएसटी पे करता है, जीएसटी कलेक्ट करता है, तो हम ये मानते हैं कि जो ये आउटपुट सी जी एस टी, आउटपुट एस जी एस टी और आउटपुट आई जी एस टी बिजनेस के लिए एक तरह से क्या कर्ज होता है। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के क्वेश्चन को। क्वेश्चन को शुरू करने से पहले भी एक गोल्डन रूल है, इसका तो आप टेबल बना लीजिए कि जब भी बिजनेस में परचेज या एक्सपेंस होगी तो इनपुट सी जी एस टी, इनपुट एस जी एस टी को आप डेबिट करेंगे। परचेज रिटर्न, फ्री सैंपल ड्राइंग, लॉस ड्यू टू फायर एंड थेफ्ट में इनपुट सी जी एस टी, इनपुट एस जी एस टी को आप क्रेडिट करेंगे। सेल्स, इनकम, रिवेन्यू में आउटपुट सी जी एस टी, आउटपुट एस जी एस टी को आप क्रेडिट करेंगे। सेल्स रिटर्न में आउटपुट सी जी एस टी, आउटपुट एस जी एस टी को आप डेबिट करेंगे। अब चलते हैं अपने पहले ट्रांजेक्शन पे, अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या रखा है, रिकॉर्ड द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ सच देव एंड सन्स, अज्यूमिंग ऑल ट्रांजेक्शन हैव बीन एंटर्ड विद इन द स्टेट ऑफ बिहार, चार्जिंग सी जी एस टी एंड एस जी एस टी एट द रेट 9%। तो हमें कुछ ट्रांजेक्शन गिवन है, टोटल 8 ट्रांजेक्शन गिवन है, जो बता रखे है कि सारी ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट ही हुई है, स्टेट का नाम हमें बिहार गिवन है। हमें सी जी एस टी और एस जी एस टी कैलकुलेट करने के लिए परसेंट जो दे रखा है वो 9% दे रखा है। चलिए अब वन बाय वन ट्रांजेक्शन को पिक करते हैं, उसके सॉल्यूशन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ट्रांजेक्शन है, बोट गुड फ्रॉम नानक ग्रो फॉर 4 लाख रुपीज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस, 25% ऑफ द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ परचेज। इसको एक वर्किंग नोट से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिए पहले ट्रांजेक्शन को वर्किंग नोट के थ्रू समझते हैं। तो क्वेश्चन हमें कह रहा है कि बिजनेस से परचेज करिए, नानक ग्रो से परचेज करिए, 4 लाख रुपीज का सामान परचेज किया, 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला, हमें 3% कैश डिस्काउंट मिला है ऑन द परचेज प्राइस, 25% हमने अमाउंट उसी वक्त पे कर दिया है। इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि टोटल प्राइस जो था 4 लाख रुपीज का सामान परचेज किया हमने, 10% ट्रेड डिस्काउंट रिसीव हुआ हमें, तो 4 लाख का 10% कैलकुलेट करेंगे 40,000 होता है। टोटल जो परचेज मानी जाएगी वो 4 लाख में से 40,000 माइनस करेंगे तो 3,60,000 रुपीज की टोटल परचेज मानी जाएगी। अब आपको पता है कि 25% अमाउंट हमने उसी वक्त पे कर दिया है, तो 25% कितना होता है 3,60,000 का, ये आपको कैलकुलेट करना होगा। तो 3,60,000 का मल्टीप्लाई कीजिए 25/100 से, तो 90,000 रुपीज हमने पे कर दिए हैं। साथ में हमने कितना अमाउंट और पे करना है, 75% अमाउंट हमें और पे करना है, तो 75% कैलकुलेट कीजिए 3,60,000 का, 75% कैलकुलेट करेंगे तो 2,70,000 रुपीज हमें अभी पे करने हैं। ये अमाउंट पे कर दिया, ये अमाउंट पे करना है। अब 90,000 पे आपको जीएसटी कैलकुलेट, सी जीएसटी कैलकुलेट करना है 9%, तो 90,000 का 9% कैलकुलेट करेंगे 8,100 आएगा। सेम इसी तरीके से 90,000 पे एसजीएसटी भी कैलकुलेट करना है, तो 90,000 का 9% कैलकुलेट करने पे 8,100 रुपीज आएगा। सेम ही चीज आपको इस पे करनी है, जो अमाउंट हमें पे करना है इस पे भी सी जी एस टी और एस जी एस टी कैलकुलेट करना है, तो 2,70,000 का 9% कैलकुलेट करेंगे तो 24,300 आएगा। सेम इसी तरीके से एस जी एस टी कैलकुलेट करेंगे 2,70,000 पे, तो ये आपका 24,300 रुपीज ही आएगा। अब यहाँ पे देखिए कि 3% हमें कैश डिस्काउंट मिला है, तो 3% कैश डिस्काउंट मिला है, तो सबसे पहले आप 90,000 में ही प्लस कर दीजिए 8,100 प्लस 8,100, तो 1,06,200 रुपीज हमने पे करे हैं। अब हमें 90,000 पे 3% कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है, तो 90,000 का जब 3% कैलकुलेट करेंगे आप कैश डिस्काउंट, तो 2,700 आएगा। 2,700 को इस 1,06,200 में से माइनस करेंगे तो टोटल अमाउंट जो हमने पे करा है वो करा है 1,03,500 रुपीज। सेम इसी तरीके से हमें अभी कितना अमाउंट और पे करना है, ये आपको कैसे पता चलेगा, 2,70,000 प्लस 24,300 प्लस 24,300 करेंगे तो 3,18,600 होता है। ये अमाउंट अभी हमें क्या करना है, हमने पे करना है। चलिए अब इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। ये मैं पूरा आपको जो मैंने समझाया वर्किंग नोट आपके सामने विजिबल कर देता हूँ, ताकि आपको इसी में से अमाउंट देके फिल करना होगा। तो हमने परचेज करिए बिजनेस ने, तो परचेज अकाउंट डेबिट,
इसके बाद इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, क्योंकि मैंने बताया था परचेज होगी तो इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी डेबिट होगा। उसके बाद हमने कैश भी पे करा है तो टू कैश अकाउंट, डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है तो टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, और अभी हमें अमाउंट पे भी करना है तो टू नानक ब्रो, जिसका पे करना है उसका नाम आ जाएगा। परचेज किसने की करी बिजनेस ने, आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट 3,60,000 की, तो 3,60,000 आप डेबिट साइड मेंशन कर दीजिए। इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी कितना कैलकुलेट हुआ है, तो 8100 में से जब आप 8100 में 24,300 जोड़ेंगे तो टोटल सीजीएसटी हमें पता चल जाएगा 32,400, एसजीएसटी भी हमारा इतना ही है 32,400। कैश हमने कितना दिया, कैश हमने दिया 1,03,500 हमने कैश दिया, तो क्रेडिट साइड मेंशन कीजिए। डिस्काउंट हमें कितना मिला है, 2700 रुपीज का हमें डिस्काउंट मिला, तो 2700 रुपीज क्रेडिट साइड मेंशन कीजिए। पे अभी और कितना करना है, पे हमें करना है 3,18,600 हमें पे करना है, तो ये यहाँ पर मेंशन करना होगा 3,18,600 हमें पे करना है। तो इस तरीके से हमारी क्या हुई, पहली ट्रांजेक्शन हमने कर दी है। आई होप आपको पहली ट्रांजेक्शन में कुछ डाउट नहीं होगा। अब करते हैं सेकंड ट्रांजेक्शन जो कि है सोल्ड गुड टू कुमार एंड सन फॉर 2 लाख रुपीज एट 20% ट्रेड डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट ऑन सेल प्राइस 60% ऑफ द अमाउंट रिसीव बाय चेक। अब हमने बिजनेस में सेल हुई है 2 लाख रुपीज की, 20% ट्रेड डिस्काउंट दिया है हमने, 5% कैश डिस्काउंट दिया है, 60% अमाउंट हमें क्या हो गया है चेक से रिसीव भी हो गया। अब इसकी इसको भी वर्किंग नोट से हमें समझना होगा। तो सबसे पहले टोटल जो प्राइस था हमारा वो 2 लाख रुपीज की सेल हुई है बिजनेस में, 20% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो 2 लाख का 20% होता है 40,000, मतलब कि बिजनेस में जो सेल हुई है वो 2 लाख में से 40,000 माइनस करेंगे तो 1,60,000 रुपीज की बिजनेस में टोटल सेल हुई है। अब इसका 60% अमाउंट हमें बैंक के थ्रू चेक के थ्रू रिसीव हो गया है, तो 60% कैलकुलेट कीजिए 1,60,000 का, तो आपको पता चलेगा 96,000 रुपीज होता है, ये हमें बैंक के थ्रू चेक के थ्रू रिसीव हो गया है। यहाँ पे अब आपको कितना अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, 40% अमाउंट हमें अभी रिसीव और होना बाकी है, तो 4,61,60,000 का 40% कैलकुलेट करेंगे तो 64,000 रुपीज होता है। अब 96,000 पे आपको सीजीएसटी भी कैलकुलेट करना है 9%, तो 96,000 पे सीजीएसटी कैलकुलेट करेंगे 9% तो 8,640 होता है। एसजीएसटी भी कैलकुलेट करना है 9% तो 96,000 पे 9% एसजीएसटी भी 8,640 होगा। टोटल जो सेल हुएगी ना वो आप प्लस कर देंगे 96,000 में, प्लस कीजिए 8,640, फिर आप 8,640 प्लस कीजिए, टोटल सेल होगी 1,13,280 रुपीज की टोटल सेल होगी। ये हमारी क्या है, टोटल सेल है। अब यहाँ पे एक और बात समझिएगा कि हमने कैश डिस्काउंट भी दिया, तो कैश डिस्काउंट आपको हमेशा इस अमाउंट पे कैलकुलेट करना है जो आपने 60% हमें टाइम 60% अमाउंट रिसीव हो गया था ना, उस अमाउंट पे ही आपको क्या होगा कि कैश डिस्काउंट रिसीव कैलकुलेट करना होगा। तो 96,000 का जब 5% कैलकुलेट करेंगे तो 4,800 रुपीज होता है। अब टोटल अमाउंट, टोटल जो हमें अमाउंट रिसीव होगा ना वो होगा 1,13,280, तो वो अमाउंट था जो हमें जीएसटी ऐड करके लेना था, उसमें से 4,800 रुपीज माइनस कर दिए तो 1,08,480 रुपीज हमें क्या होगा रिसीव होगा चेक के थ्रू बैंक के थ्रू। सेम इसी तरीके से आप देखिए 64,000 अभी हमें रिसीव होने हैं, इसमें 9% कैलकुलेट करेंगे आप तो आपका आएगा 5,760। सेम इसी तरीके से एसजीएसटी भी 9% कैलकुलेट करेंगे तो ये भी आपका 5,760 रुपीज आएगा। टोटल अमाउंट जो हमें रिसीव होना है वो होना है 64,000 प्लस कर दीजिए 5,760 प्लस 5,760, टोटल अमाउंट जो हमें रिसीव होना है वो 75,520 रुपीज हमें रिसीव होने हैं। तो यही बात आपको अब ट्रांजेक्शन में दिखानी है। अब यहाँ पे सेल हुआ है तो समझिएगा, सेल हुआ है तो आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को आप क्रेडिट करेंगे, क्या करेंगे क्रेडिट करेंगे। तो यहाँ पे पहले सेल हुआ है तो यहाँ पे क्या हुआ है, हमें मैं वो चार्ट को आपके सामने विजिबल कर देता हूँ, वर्किंग नोट को विजिबल कर देता हूँ ताकि इसमें से आप अमाउंट को लिख पाए। तो हमारी जनरल एंट्री होगी कुमार एंड सन्स डेबिट, क्योंकि इनसे भी हमें पैसा लेना है। बैंक अकाउंट डेबिट, ये हमें पैसा मिल भी चुका है, कुछ अमाउंट मिल चुका है हमें। इसके बाद हमारा डिस्काउंट अलाउ किया हमने तो आप डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट करेंगे, क्योंकि हमने डिस्काउंट अलाउ किया था ना 5% कैश डिस्काउंट। यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट, बिजनेस में कितनी सेल हुई है वो अमाउंट मेंशन करेंगे आप, टू आउटपुट सीजीएसटी और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट मेंशन करेंगे। आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट एसजीएसटी को आपको क्या करना होगा, क्रेडिट करना होगा। आप समझिए अमाउंट कैसे फिल होगा। तो सबसे पहले देखिए कि बिजनेस में हमें कितना अभी कुमार एंड सन से कितना अमाउंट लेना है, हमें 70,520 रुपीज लेने हैं तो 75,520 रुपीज को आप डेबिट साइड लिखना है। कितना हमें रिसीव हो गया, हमें 1,08,480 रुपीज रिसीव हो गया, तो ये अमाउंट को आपको डेबिट साइड लिखना है बैंक अकाउंट में। कितना डिस्काउंट दिया हमने, 4,800 रुपीज का हमने डिस्काउंट दिया। कितनी सेल हुई, 1,60,000 रुपीज की टोटल सेल हुई थी, राइट। टोटल सेल कितनी हुई थी, 1,60,000 रुपीज की, जो हमने 2 लाख में से 40,000 माइनस किया था तो 1,60,000 रुपीज की सेल हुई थी। आउटपुट सीजीएसटी कितना था, अगर आप 86
140 में प्लस कर देंगे 57,560, तो आपको पता चलेगा कि 14,400 ही CGST था और 14,400 ही SGST था। तो इस तरीके से हमारी सेकंड ट्रांजेक्शन भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब करते हैं थर्ड ट्रांजेक्शन। थर्ड ट्रांजेक्शन है रिसीव फ्रॉम गोपी चंद 38,000 बाय चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। रिसीव हुआ है गोपी चंद से 38,000 रुपीज का चेक आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। तो 5% कैश डिस्काउंट ऑलरेडी डिडक्टेड है 38,000 रुपीज में से। तो यहाँ पे आपको देखिए कोई GST कैलकुलेट नहीं करना, क्योंकि सिंपल पैसों का लेन देन हुआ है। यहाँ पे कहीं नहीं लिखा कि परचेज करके पैसों का लेन देन हुआ या सेल करके हुआ है। तो यहाँ पे सिंपल आपको GST इग्नोर करना है। एंट्री हमारी होगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू गोपीचंद। बैंक अकाउंट में अमाउंट आएगा 38,000, डिस्काउंट आप जब कैलकुलेट करेंगे तो 2,000 रुपीज का डिस्काउंट कैलकुलेट होगा और टोटल अमाउंट जो था 40,000 रुपीज था। मतलब 40,000 रुपीज लेने थे, 2,000 रुपीज का हमने डिस्काउंट दे दिया और 38,000 रुपीज हमें क्या हो गया, रिसीव हो गया। नरेशन आप लिखेंगे रिसीव फ्रॉम गोपीचंद इन फुल सेटलमेंट। इसके बाद फोर्थ ट्रांजेक्शन है हमें पेड 20,000 फॉर रेंट बाय चेक। 20,000 रेंट पे करा है तो एक्सपेंस है तो इनपुट CGST इनपुट SGST को डेबिट करेंगे आप। एंट्री आपकी होगी रेंट अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अमाउंट किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, 20,000 रुपीज का टोटल रेंट पे करा है, इसमें 9% कैलकुलेट करेंगे आप CGST तो 1,800 रुपीज आएगा, 9% SGST भी 1,800 रुपीज आएगा, टोटल जो अमाउंट पे करा होगा वो 23,600 रुपीज होगा। नेक्स्ट है फिफ्थ ट्रांजेक्शन पेड 50,000 फॉर सैलरी बाय चेक। 50,000 रुपये सैलरी पे की गई है चेक के थ्रू। अब देखिए सैलरी पे भी कोई GST कैलकुलेट नहीं होता था, सिंपल ट्रांजेक्शन हो गया आपकी सैलरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक के थ्रू पे की है तो टू बैंक अकाउंट मेंशन कीजिएगा। 50,000 डेबिट साइड 50,000 क्रेडिट साइड ही मेंशन कर दीजिएगा। इसके बाद आप नरेशन लिखिएगा पेड सैलरी बाय चेक। सिक्स ट्रांजेक्शन है गुड्स वर्थ रुपीज 10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। फ्री सैंपल के तौर पे 10,000 रुपीज के गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। तो फ्री सैंपल में बताया था इनपुट CGST इनपुट SGST क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे आपको एंट्री करनी है फ्री सैंपल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। ये जनरल एंट्री कंसेप्ट में आपको जनरल एंट्री के लेक्चर में समझा चुका हूँ, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जनरल एंट्री की वीडियो आप जनरल एंट्री सीख चुके हैं। अब यहाँ पे आपको अमाउंट शो करना है तो 10,000 आपको परचेज के कॉलम में मेंशन करना है कि टोटल परचेज जो टोटल फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है 10,000 रुपीज डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। 9% जब कैलकुलेट करेंगे CGST तो 900 रुपीज आएगा, 900 रुपीज ही आपका SGST कैलकुलेट होकर आएगा 9% के हिसाब से। तो टोटल जो फ्री सैंपल में अमाउंट आएगा वो 11,800 रुपीज आएगा। तो इतने का फ्री सैंपल कर दिया गया है गुड्स को। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है 5,000 ड्यू फ्रॉम चंद्रकांत आर्ट बैड डेट की। 5,000 रुपये हमारे डूब चुके हैं, तो यहाँ पे सिंपल एंट्री होगी बैड डेट अकाउंट डेबिट टू चंद्रकांत। अमाउंट कॉलम लिख दीजिए 5,000 डेबिट साइड 5,000 की क्रेडिट साइड। अब करेंगे ट्रांजेक्शन नंबर लास्ट ट्रांजेक्शन है हमारी सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर 15,000 रुपीज एंड प्रोसीड वर इन्वेस्टेड इन टू बिजनेस। तो हाउस होल्ड फर्नीचर सेल किया 15,000 रुपीज का और से इन्वेस्ट कर दिया गया बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पे आपकी जो ट्रांजेक्शन होगी वो होगी कैश अकाउंट डेबिट कैश हमारे पास आया टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया गया ना, इसलिए यहाँ पे टू कैपिटल अकाउंट लिखिएगा। बैंक अकाउंट या कोई नाम मत लिखिए, तो फर्नीचर अकाउंट मत लिखिएगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होगा, क्योंकि हमने वो अमाउंट को बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया है। तो यहाँ पे अमाउंट हमारा आएगा 15,000 डेबिट साइड और 15,000 क्रेडिट साइड। अब आपको नरेशन लिखनी है तो नरेशन होगी सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर एंड कैश इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस, टोटल कर दीजिए 7,59,000 डेबिट साइड आएगा, 7,59,000 ही क्रेडिट साइड आएगा। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक फॉर वॉचिंग।